अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो भक्ति का अलौकिक दृश्य भारत के साथ पूरी दुनिया ने देखा। अब अयोध्या से 2794 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूएई के अबू धाबी में हाथों से तराशे गए पत्थरों से बने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। अबू धाबी के इस मंदिर के बारे में और जानकारी देने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ये मंदिर अबू धाबी के अबू मुरैका क्षेत्र में स्थित है। ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर को बनाने पर 700 करोड़ रुपए खर्च आया। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम यानी बैप्स स्वामी नारायण संस्था ने किया है। शुरू में इस मंदिर का क्षेत्रफल 5.4 हेक्टेयर भूमि रखा गया था। इसमें कम्युनिटी हॉल और पार्किंग एरिया को शामिल करने के लिए ये क्षेत्रफल 11 हेक्टेयर तक बढ़ाया गया। मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए बलुआ पत्थर और संगमरमर की पहले भारत के कारीगरों ने नक्काशी की और फिर इन्हें यूएई लाकर असेंबल किया गया। मंदिर की विशेषता है कि प्राचीन मंदिरों की परंपरा के अनुसार इसमें लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर में 40,000 घन मीटर संगमरमर, 1,80,000 घन मीटर पत्थर और 18,00,000 ईंटों का उपयोग किया गया। 108 फीट ऊंचे इस मंदिर में 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात के प्रतीक के तौर पर बनाए गए हैं। अगस्त 2015 में यूएई सरकार ने अबू धाबी में मंदिर निर्माण के लिए जमीन अलॉट की थी। मंदिर निर्माण का काम दिसंबर 2019 में शुरू हुआ। बीच में कोरोना वायरस ने दुनिया की तमाम गतिविधियों को रोक दिया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए प्रयास जारी रहे। स्वामी नारायण संस्था के अनुसार मंदिर निर्माण आध्यात्मिक शक्ति की वजह से निर्विघ्न संपन्न हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 13-14 फरवरी को यूएई का दौरा निर्धारित है। मंदिर को आम लोगों के लिए 18 फरवरी से खोल दिया जाएगा। बैप्स हिंदू मंदिर प्रोजेक्ट के प्रमुख स्वामी ब्रह्म बिहारी दास के अनुसार यूएई और अन्य देशों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में आने की इच्छा जताई है। इसका पूर्वानुमान लगाते हुए बैप्स स्वामी नारायण संस्था ने पिछले साल ही मंदिर में आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिया था। 18 फरवरी 2024 के लिए यूएई के रहने वाले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो उस दिन मंदिर में आ सकते हैं। यूएई के जिन नागरिकों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनसे 1 मार्च के बाद ही मंदिर आने की अपील की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विदेश में रहने वाले लोगों की ओर से भी बड़ी मांग है, जो मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक पत्थरों से बना मंदिर देखना चाहते हैं। स्वामी ब्रह्म बिहारी दास का कहना है कि जो लोग 1 मार्च से मंदिर आना चाहते हैं वो निर्धारित वेबसाइट या फेस्टिवल ऑफ हार्मनी ऐप पर रजिस्टर करा सकते हैं। मंदिर के उद्घाटन समारोह को भी फेस्टिवल ऑफ हार्मनी यानी सद्भावना का पर्व नाम दिया गया है। स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने मंदिर निर्माण की अनुमति देने के लिए यूएई के नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह हिंदुओं के लिए पूजा स्थल है। बैप्स हिंदू मंदिर का मूल विचार इस धरती पर सद्भाव को बढ़ाना है। ये मंदिर शांति को बढ़ावा देगा और ये यूएई और भारत के बीच मजबूत संबंधों का भी प्रतीक होगा। उन्होंने मंदिर को वैश्विक सौहार्द का आध्यात्मिक मरुद्वीप बताया। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में मंदिर निर्माण को हालिया वर्षों में यूएई और भारत के आपसी रिश्तों में महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया है। 29 जनवरी 2024 को 42 देशों के राजदूत मंदिर के प्रीव्यू के लिए पहुंचे। इस्तामा के लिए खुशदीप सैगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।